टाइम टू गो। और अब हम चल दिए हैं, हम अपने गेस्ट हाउस से। आज कोशिश रहेगी कि हम कोडियाला पहुँचे। थोड़ा लेट होगा यहाँ से निकलने में, लेकिन कोशिश यही है कि टाइम से पहुँचे। ओए बहरों के मुंह पे लगा दूंगा, वो गुस्सा हो गया। एकदम तीखी ढलान है जिससे हम उतर रहे हैं। और फिर मिलेंगे जोशीमठ, फिर अब लंबिया सफ़र दोबारा आएंगे। आज हमें यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं जिसको एक्सप्लोर करने हम दोबारा आएंगे इसी रूट पे और ज़्यादा समय के लिए। जो रास्ता ख़राब है उस पर अभी भी काम चल रहा है, वाइट पाउडर। रास्ता काफ़ी टाइम से ख़राब है क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है और रोड थोड़ा, लेकिन दो चार महीने में काफ़ी बेटर हो चुका है और आने वाले दो चार महीने में जब यात्रा चालू होगी तब तक ये काफ़ी बेटर हो भी जाएगा। चमोली तक तो रास्ता बहुत स्मूथ है, चमोली के बाद थोड़ा सा रास्ता नैरो भी है और थोड़ा काम चल रहा है मोस्टली जगह, तो इसलिए आप मान सकते हैं कि तीन चार महीने में यात्रा मई में चालू होती है, तो वहीं तक तो 90% ये काम भी ख़त्म हो जाएगा जो बचा है। 10% जो रिपेयरिंग वर्क पहाड़ों में हमेशा चलता रहता है वो तो खैर हमेशा चलता ही रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ जो है वो सबसे कच्चे पहाड़ है, हर बारिशों में यहाँ कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड ज़रूर होती है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे मंदिर और मंदिरों की बड़ी बड़ी कहानियाँ यहाँ जगह जगह। देखिए कितनी प्यारी रोड है और डबल साइड डबल रोड है। ये छोटी सी टनल कुछ मीटर की, लाइट नहीं है लेकिन हमने लाइट कर दी है थोड़ी बहुत। आज
पत्थर गिरे हैं। जेट कर्णप्रयाग यहाँ से श्रीनगर 66 किलोमीटर है लगभग, और ऋषिकेश दिखा रहा है 171 किलोमीटर, 66 और 171। जहाँ भी दो नदियों का संगम होता है मिलता है, तो एक नदी इधर से जा रही है एक उधर से आ रही है, इसी को कर्णप्रयाग कहा जाता है। और प्रयाग में प्रयाग जो प्रयागराज है, इससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ कुछ खाएंगे फिर आगे चलेंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया क्योंकि गलती 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 आगे लगाते हैं थोड़ा सा। हम पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग, और यहाँ कुछ खाते पीते हैं फिर आगे चलेंगे, कुछ खा पी लेते हैं फिर आगे चलेंगे। पीली कोई बात, अच्छी बात है। हम हैं कर्णप्रयाग में, और आप देख सकते हैं एक यूनिक चीज, पल्सर का इंजन, स्कूटी का टायर आगे, और रेयर टायर है, फोर व्हीलर का टंकी है, आरी की सीट तो भगवान जाने कौन सी है, और दूसरा देखिए नैनो में क्या जुगाड़ कर रखा है, नैनो में बाइक के टायर लगा रखे हैं, और इससे अभी क्या बनाना चाह रहे हैं ये तो मैकेनिक साहब ही जाने, लेकिन इसे कहते हैं इमेजिनेशन, कि आप जो सोचते हैं वो हो भी सकता है, बशर्ते आपको लगन डाल होनी चाहिए उसमें। हटो बचो बाइक की, हटो बचो बाइक की राइड लेने के तैयार। ये है दारी देवी टेम्पल, हम जाएंगे नीचे दर्शन करके आएंगे, देखिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे नीचे उतर के जाना है, और यार अंदर भी है बस, जैकेट ला दो ना, बोल जैकेट के अंदर कटप्पा चलो
सुबह दुश्मन में थे तो वहाँ से भैया हमें मिले थे, उन्होंने बताया था कि शिक्षा का नाम मान चुकी है कि रामधारी देवी जी के दर्शन करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, मन लगा के देखें, खड़े होकर देखें तो आप सुबह अगर देखेंगे उन्हें तो पाएंगे बांधकर होंगे, और पैर में देखें तो योग अवस्था के होंगे, और रात्रि के समय आप अगर दर्शन करते हैं तो वृद्ध अवस्था में माता की मूर्ति को आप देख सकते हैं। धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं, जाना तो हमें है ऋषिकेश, लेकिन लगता नहीं कि टाइम से पहुंचेंगे, तो इसलिए जहाँ तक चला जाएगा चलेंगे, क्योंकि रात को राइड करना सेफ नहीं है। थोड़ी बहुत तो चला सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि काफ़ी रोड ऑफ रोड भी है, खराब रोड भी है, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रोड, तो श्रीनगर हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर वहाँ डिसाइड करेंगे कि आगे चलना है या स्टे करना है। हम आ गए हैं उत्तराखंड के श्रीनगर में, और यहाँ पे इस टाइम तो बिल्कुल भी लग रहा है कि यहाँ पर हम पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी सिटी के बीच में दिल्ली है, गाजियाबाद है, मेरठ, कानपुर, इस तरह के नॉर्मल सिटी के बिल्कुल ना, पहाड़ तो दूर तक दिख रहे हैं लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप पहाड़ों के बीच में है। रोड चौड़ी रोड, दोनों तरफ मार्केट, गाड़ियाँ, भीड़, लोग, ऐसा जो है इसके अलावा अब तक किसी और शहर में हमें देखने को नहीं मिला उत्तराखंड के। हरिद्वार में भी इतनी बसावट नहीं है जितनी यहाँ पर है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ हैं लगभग। ये बिल्कुल चहल पहल है पूरी मार्केट में, फाइनली वी गॉट द होटल चाणक्य। चलिए अब स्टे करेंगे, बिस्तर तोड़ेंगे आज, कल फिर दिल्ली के लिए रवाना। तो बज गए हैं 11 और हमारे बज गए हैं 12। फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं, अब सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो आप फटाफट खाना ऑर्डर करेंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। आपसे मिलेंगे अब हम सुबह।